ओके भाई लोग, थोड़ा ध्यान से सुनना। आज का मैटर थोड़ा सीरियस है। अब देखो, दो तरह की चीजें होती हैं। पहली चीज ये कि आपको पता है कि जो आपने मटेरियल बनाया है वो खराब है, आपने एज इट इज ऑडियंस को दिया, ऑडियंस ने उसको लात मार दिया। एंड दूसरी चीज होती है कि आपको पता है कि आपका मटेरियल एवरेज है, लेकिन अगर आपका प्रेजेंटेशन स्टाइल तगड़ा है, मींस अगर आपने एक भूखे ऑडियंस को थाली में वही एवरेज मटेरियल टुकड़े टुकड़े में करके परोस के दे दिया, दिन देखने वाली ऑडियंस यही बोलेगी कि हाँ भाई माल तगड़ा है, पूरा भरा हुआ है। सेम चीज भाई इस शो के साथ होता है, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन एक चीज और है कि क्रिएटिविटी जो है वो कभी कभी एक नॉर्मल ऑडियंस के दिमाग का दही भी कर सकती है। नहीं समझे तो मैं आपको आज के इस वीडियो में पूरा ज्ञान देने वाला हूं। बस आपको एक ही काम करना है कि प्लीज आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो देखो भाई, कल नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर एक आयरन रेन नाम की वेब सीरीज को रिलीज किया गया था। सीजन 1 को देखने के लिए आपको भाई टोटल 8 एपिसोड देखने हैं, जिनकी जो लेंथ है वो 45 मिनट से लेकर के 1 घंटे के आसपास आपको देखने को मिलेगी। कहानी सीजन 1 खत्म नहीं हुई, सीजन 2 भी आएगा। एनीवे इस पर अपन लोग आगे बात करते हैं। बट जो ये वेब सीरीज है आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी हिंदी डब लैंग्वेज में, एंड इसकी हिंदी डबिंग काफी बढ़िया। फैमिली के साथ मत देखना, क्यों? क्योंकि भाई आपको इसमें सीन्स देखने को मिलेंगे, ब्रूटैलिटी देखने को मिलेगी किलिंग सीन में, एंड साथ ही अच्छी खासी गाली गलौज भी है। बाकी शो का चिड़फाड़ करने से पहले अपन लोग कहानी पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो देखो, कहानी जो है वो आपको वॉकिंग मैनचेडो नाम का एक बंदा है उसकी जर्नी को प्रेजेंट करती है। करंटली वो एक ड्रग एम्पायर चला रहा है बार्सिलोना के पोर्ट पर, जहां पर भाई जो इसकी फैमिली है, मतलब बेटे हुए, बेटी हुई, बेटे के हस्बैंड, बेटी के हस्बैंड वगैरह हुए, सब इसके ड्रग एम्पायर में शामिल है पूरी तरीके से। एक दिन ऐसा कांड होता है जिसकी वजह से भाई अपने वॉकिंग को कोई मारने की कोशिश करता है, एंड देन उसके बाद इसके बिजनेस को लेकर के जो आपको पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी, कौन इसके एम्पायर को अब संभालेगा, फैमिली में जो गेम ऑफ थ्रोन्स की सिचुएशन आ जाती है, वो सब जानने के लिए आपको इस शो को देखना पड़ेगा। देखो अब आप कहानी सुनकर के आपको आइडिया लग गया होगा कि इस तरह की जो कहानी है, जो प्रो ऑडियंस है, डेफिनेटली उन्होंने कहीं ना कहीं माफिया ड्रामा, क्राइम ड्रामास में डेफिनेटली देखा होगा। हाँ भाई, ये जो शो है आपको कहानी वाइज कुछ भी बहुत ज्यादा नया नहीं प्रेजेंट करता है माफिया ड्रामा में, बट स्टिल ट्रस्ट मी भाई, इस शो में बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट हैं, इनको सुनकर के डेफिनेटली आप इस शो को देखने का प्लान बना सकते हो। जैसे कि पहले पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो वो आता है इसका डायरेक्शन। शो का डायरेक्शन जो है काफी ज्यादा स्टाइलिश है, पास्ट प्रेजेंट में आपको चीजें रख के प्रेजेंट की गई है। वॉकिंग कौन था, कहां से आया था, उसने अपना इतना बड़ा ड्रग एम्पायर कैसे क्रिएट किया, वो सब आपको विथ डिटेल्स इस शो में दिखाया गया है। देन इसी प्रेजेंटेशन जो कि मुझे काफी अच्छी चीज लगी वो है इस शो का कैमरा वर्क। यस भाई, इस शो का जो कैमरा वर्क है कुछ लोगों को, एक नॉर्मल ऑडियंस जो है उनको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, बट जो एक ऐसी ऑडियंस है जो कि एक स्टाइलिश प्रेजेंटेशन देखना पसंद करती है, उनको इसका जो कैमरा वर्क है वो बहुत ज्यादा पसंद आएगा। शो धीमा है, बट जूम इन जूम आउट करके जिस हिसाब से इसकी कहानी को प्रेजेंट किया गया है वो आपको डेफिनेटली फास्ट पेस वाली फीलिंग देगा। फट 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 करके कैमरा के थ्रू आपको चीजें दिखाई गई, जिसकी वजह से आप पूरा शो ये अटेंशन ग्रैब करके रखता है। देन नेक्स्ट पॉजिटिव आता है भाई इसका गेम ऑफ थ्रोन्स का ड्रामा। यस भाई, इस शो में आपको बहुत सारे ट्विस्ट टर्न्स देखने को मिलेंगे, ड्रग माफिया किलिंग वाली जो चीजें होती हैं वो भी बहुत सारी इसमें देखने को मिलती हैं। फैमिली ट्री जो देखने को मिलती है मानचाडो की, उसकी जो चीजें हैं उसको काफी कॉम्प्लेक्स करके इस शो में प्रेजेंट किया गया है, जिसकी वजह से ये शो आपका अटेंशन भी मांगती है। मतलब उनकी जो कहानी है, जो उनकी दुनिया है, उसमें घुलने मिलने के लिए कैरेक्टर के साथ आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग के एक दो एपिसोड ध्यान से देखने पड़ेंगे, बट जब आप उनके ड्रामा, उनकी फैमिली के साथ इन्वेस्ट हो जाते हो तो ये शो आपको एंगेज करके रखता है अपनी डिसेंट कहानी के साथ। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है इस शो में, इसके पॉजिटिव पॉइंट वो है इसका ट्विस्ट टर्न्स। यस भाई, ड्रामा में आपको काफी सारे ट्विस्ट टर्न्स देखने को मिलते हैं, एंड जो एक नॉर्मल ऑडियंस है उन ट्विस्ट टर्न्स की वजह से डेफिनेटली सरप्राइज हो जाए। एक पॉजिटिव पॉइंट में एक चीज और ऐड करूंगा, लाइक इसका जो माफिया ड्रामा देखने को मिलता है उसकी सेटिंग भी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अदर माफिया शो। जैसे कि आपने जो क्राइम ड्रामा देखे होंगे वहां पर जो क्राइम होता है वो अक्सर सिटी में, या फिर ड्रग की जो चीजें होंगी वो सिटी में सप्लाई अप्लाई की जाती है, ऐसी सेटिंग्स आपने अक्सर शो में देखा होगा। इस आयरन रेन में जो चीजें हैं वो आपको पोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलेंगे, मतलब बंदरगाह पे सारे कांड होते हैं, एंड जिस आपसे बंदरगाह की चीजों को डिटेलिंग के साथ प्रेजेंट किया गया वो भी देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टू वॉच। मेरे लिए स्पेशली जो कंटेनर बॉक्स एंड जो सप्लाई वगैरह चीजें होती दिखाई गई इसमें, वो एक यूनिक एक्सपीरियंस। बाकी शो में आपको भर भर के टेंशन देखने को मिलेगा, थ्रिल का अमाउंट काफी ज्यादा है शो में, एंड जो आपको गन फाइट वगैरह देखने को मिलेगी उनको देख के आपको मजा आ जाएगा। प्रॉब्लम की बात करें तो हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स भी है शो में। पहली चीज ये कि शो की जो लेंथ है वो काफी ज्यादा लंबी फील होती है, बीच बीच में जो कुछ एपिसोड है लाइक 5 या 6 में सीरीज ड्रैग भी होती है, तो वहां पर आपको थोड़ा सा बोरिंग टाइप की चीजें भी देखने को मिलेंगी। दूसरी चीज, कैमरा वर्क इस सीरीज का एक पॉजिटिव पॉइंट है, तो दूसरी तरफ यही चीज एक नेगेटिव पॉइंट है एक नॉर्मल ऑडियंस के लिए। जो कैमरा वर्क है एक नॉर्मल ऑडियंस का थोड़ा सा सिर दर्द करवा सकता है अगर एक नॉर्मल ऑडियंस इसको वन गो में खत्म करने की कोशिश करेगा। मैं आपको जरूर बोलूंगा कि भाई धीरे धीरे करके शो को देखने की कोशिश करना। नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट जो कि मुझे पर्सनली फील हुआ वो है इसकी कैरेक्टर, मतलब स्टार्टिंग में जो कैरेक्टर्स में उनके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा, क्योंकि भाई उनके जो नाम है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप के हैं। एंड
दूसरी चीज जो इमोशनल डेप्थ होनी चाहिए वो थोड़ा सा लैक करती है इस शो में। बट इन सबको हटा करके मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि अगर आप कहानी से भाई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखते हो, आपको माफिया ड्रामास देखना पसंद है, आपको क्राइम ड्रामास देखना पसंद है, ध्यान से सुनना मैं ड्रामास की बात कर रहा हूँ, एक फैमिली की कहानी देखना चाहते हो जिसमें आपको गेम ऑफ थ्रोन्स की सिचुएशन देखने को मिले, पॉलिटिक्स देखने को मिले, क्राइम की चीजों को लेकर के, ड्रग की चीजों को लेकर के, देन डेफिनेटली आप इस शो को ट्राई कर सकते हो एक बार, क्योंकि ये एक बार आपका टाइम डिजर्व करता है अगर आपको इस तरह का जॉनरा देखना पसंद है। मेरी बात करते हैं तो मुझे इसका एंगेजिंग लगा, इंटरेस्टिंग लगा एंड साथ ही साथ थ्रिलिंग भी लगा। कुछ चीजें डेफिनेटली थी जो कि मुझे पसंद नहीं, बट उनको अवॉइड करके मैं इसका सीजन 2 डेफिनेटली देखना चाहूंगा। एंड बस भाई इन्हीं सारी चीजों को जज करते हुए मैं इस शो के सीजन को रेट करूंगा 7.5 आउट ऑफ 10 स्टार। अगर आपने देख लिया है तो आपको ये कैसा लगा, मेरी वीडियो चलेगी उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बाकी मैं सुनता हूँ।